अभिषेक बच्चन यदि मून की पूजा करते हैं, यानी कि सूर्य की पूजा करते हैं, जैसे कि द मून कार्ड आया है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सफ़ेद चीज़ों का दान भी करें और प्रयोग भी करें। अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन ज़रूर करके देख लें, क्योंकि इस वक्त उनके जीवन में जो ये स्थिति चल रही है उसका लेना देना निश्चित रूप से उनके पिछले जन्म से। तो ये कार्ड के साथ एडवाइस आती है, इस कार्ड के साथ कि मून कार्ड का जो कनेक्शन है पास्ट लाइफ से होता है, तो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएं और चेक करें कि ये जो सिचुएशन चल रही है जिसमें डिलेज हो रहे हैं उनकी लाइफ में, स्पेशली पर्सनल लाइफ को लेकर, वो क्यों हो रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा, और उसकी थेरेपी कराएं। मून को साधें, चंद्रमा को साधें। चंद्रमा वैसे भी मन का कारक होता है, और आप जिस लाइन में हैं अभिषेक, फिल्म लाइन जो है ये मन के ऊपर ही है। इसमें हम मन के आधार पर ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। तो चंद्रमा की पूजन करें, दान करें, और चंद्र की चीज़ों का ग्रहण भी करें, जैसे कि सफ़ेद चीज़ें, उससे आपको भावनात्मक रूप से भी काफ़ी स्थिर होने में सहायता मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐश और अभिषेक के बारे में, जो कि अभी तक शादी हुई नहीं है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही कह सकते हैं, तो क्या ये जोड़ी बरकरार रहेगी इस साल, या जोड़ी टूट सक सकती है? नाम लेकर के बताएंगे। ये साल में ऐश और अभिषेक की जो जोड़ी है उसके बारे में चांसेस 50-50, एक अथॉरिटी फिगर बनी रहेगी पूरे साल में, लेकिन इस वक्त जो ग्रह है या जो कार्ड्स हैं वो एक 50-50 पोजीशन में ज़्यादा हैं। अथॉरिटी फिगर बनी होने की वजह से हो सकता है कि आशंकाएं हाँ की ही ज़्यादा है, ऐश्वर्या राय के लिए जो कार्ड आया है वो कार्ड मून से संबंधित है, तो आप अपनी चंद्र दशा का थोड़ा सा ख्याल करें और चेक करें कि आप उससे संबंधित क्या कर सकती हैं। एक छुपे हुए दुश्मन जो होते हैं वो इस समय में हो सकता है आपके सामने आएंगे, तो उससे अपनी मन स्थिति को मजबूत करें। उसके लिए ऐश्वर्या राय यदि आप सूर्य पूजन करती हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। सूर्य को जल अर्पण करें, सूर्य के 12 नामों का ओंकार के साथ ध्यान करें सुबह के समय में, सूर्योदय के समय में, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ में भी लाभकारी होगा। गुरु फिल्म जो है अभिषेक की, इस साल एक तरह से नई शुरुआत सी है उनके लिए इस फिल्म से। हालांकि जैसा कि लास्ट फिल्म में उन्हें उतनी रिकग्नाइजेशन नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी धूम में, और वो एक उसी स्थिति में से उठकर, जो कहते हैं कि मतलब एक उसी राख में से एक नया पौधा निकलेगा, और इस साल एक जजमेंट होगा उनके साथ। जैसा कि हम देख सकते हैं कि गुरु फिल्म के लिए उनके जो है डेथ कार्ड आया, इसका मतलब होता है बेसिकली कि जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन में से किसी नई चीज़ का उभरना जो कि सकारात्मक होती है। डेथ कार्ड का मीन किसी भी एंगल से ये नहीं होता है कि किसी चीज़ का विनाश हो जाना। इस कार्ड सिर्फ इतना होता है कि अगर विनाश होगा तो जो भी एक नेगेटिव परिस्थिति चल रही है उनके साथ रिसेंट पास्ट में 2006 में उनकी लास्ट फिल्म को लेकर, तो उसमें से एक उनको अब एक नई शुरुआत मिलेगी, एक जो कि उनके लिए काफ़ी सकारात्मक होगी। दूसरा कार्ड उनके लिए आया है जजमेंट की, जो उनके प्रति जो जजमेंट है जिस तरीके से उन्होंने इसमें डेडिकेशन दिया है वो उन्हें मिलेगा। थोड़ी पोस्टपोनमेंट्स हो सकती हैं, जैसे कि फोर ऑफ सोर्ड्स हम देख रहे हैं कि हो सकता है कि इमीडिएटली फिल्म रिलीज़ होने के बाद उन्हें वो एक जो एक ग्लांस मिलना चाहिए, एक जो इंस्टेंट चीज़ें मिलनी चाहिए ना मिले, थोड़ी देर बाद क्लिक हो जाए चीज़ें, फिल्म क्लिक हो जाए या हिट हो जाए या उसमें उनको वो रिकग्नाइजेशन मिल जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसा कि पिछले इतिहास में भी हमने देखा है कि कई बार फिल्में लगती हैं और इमीडिएटली उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन एक हफ्ते, 8 दिन, 2-4 दिन बाद वो चीज़ क्लिक हो जाती है। तो इस तरीके की कोई चीज़ दिख रही है कि कुल मिला के उनके साथ जस्टिस होगा गुरु फिल्म को लेकर, ओवरऑल ठीक रहेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं फोर ऑफ वॉन्ड ये टैरो डेक में एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना गया है, जो कि उनकी इस फिल्म के लिए एट द एंड आया है। तो ये सारी उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद ओवरऑल जो है ये फिल्म का आउटकम जो उनके लिए रहेगा अच्छा रहेगा। अभिषेक और ऐश्वर्या की इस बार इस साल में शादी होगी कि नहीं होगी, काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है इस साल में उनकी शादी होना, लेकिन उम्मीदें की जा सकती हैं। जैसे कि स्टार कार्ड आया है, ये होप्स एंड एस्पिरेशंस को बताता है कि जहां इंसान उम्मीद तो काफ़ी कुछ करता है, लेकिन उसके बाद उनका दूसरा कार्ड सेम क्वेश्चन को लेकर जो आया है वो द डेविल आया, यानी कि एक
बुरी नज़र का रहना, वापस से डेविल कार्ड का जो अर्थ होता है वो एक बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होना किसी चीज़ के प्रति, या एक बुरी नज़र होना, या ये सब चीज़ें, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि वो काफ़ी मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें इस चीज़ की जानकारी मिल चुकी हो कि कहीं भी एक एविल आय का असर उनके ऊपर है, उनके रिश्तों को या उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसको लेकर है, एक बंधन सा है जिससे कि उन्हें छुड़ाने की ज़रूरत है। और ये बंधन कोई इतना मजबूत भी नहीं है, अगर वो चाहे तो मानसिक है, ये सारी जो भी नेगेटिव चीज़ें उनके आसपास हो रही हैं वो उनके अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। आखिर वापस हमारे सारे स्टार्स के बारे में ज़्यादातर ये कार्ड इस 2007 में बहुत ज़्यादा आ रहा है, दैट इज़ नाइन ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी उन्हें संभलने की ज़रूरत है, आई एम सॉरी एट ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज काफ़ी उन्हें संभलने की ज़रूरत है कि क्या वो जो सोचते हैं, वो जो चाह रहे हैं, वो सिर्फ पूरी उनकी अपनी सोच है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आसपास से ज़्यादा प्रभावित हैं या किसी बर्डन में आके कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो इस चीज़ का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। और काफ़ी संभावना है कि जिस तरीके से वो चीज़ें सोच रहे हैं, जैसे कि सेवन ऑफ सॉट्स कार्ड आया है उसके बाद इस रिश्ते को लेकर, शायद वैसा ना हो। कुल मिला के स्थिति काफ़ी कठिन दिख रही है, हो सकता है कि इस वर्ष के अंत तक एक उन्हें एक भावनात्मक रूप से एक वैसी शांति मिले इन सब दौर से गुजर के, और तब एक चांस बनता है कि शायद उनकी शादी इस वर्ष के अंत तक हो।